ऊंचाई पार्ट था, कंटिन्यूएशन पार्ट था, मैं पिछले चार वीडियो से आपको इसी पार्ट को बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखो ये काम की है, यहाँ पर एक बच्चे की मार्मिक जीवन का एक दृश्य, यहाँ पर मैं हमारे दोस्त दृश्य में हमने आप लोगों को बताया था कि किशनगंज आता है बेटा राजकिशोर जी को गुना लगाने, 14.5 है गुना लगाने, और आते ही वो कहता है जी अपने हम अनाथ है और हम बिहार में मिले हैं, एक आगे लेके करते रहते हैं, पसंद के साथ ऐसा हादसा हुआ है और उसको जब होश आए तो वो मुझे यहाँ पर भेजा है आपके 14.5 में देने के लिए। ये सुनकर कुछ वक्त के लिए राजकिशोर जी कुछ अचंभित हो जाते हैं और उसकी बात वो है उसके प्रताप के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन प्रताप को वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तो प्रताप बहुत आश्चर्य भी पड़ता है और उसे समझ में भी नहीं आता कि मैं वो क्या कर। और एक धगा था वो राजकिशोर जी के पीछे जाता है, उसके साथ साथ राजकिशोर जी अपने नौकर अमर सिंह को बुलाते हैं और अपने वर्मा को बुलाकर आने को कहते हैं। अब देखो एक दूसरा दृश्य में ऐसा था, मैंने पहला दृश्य दूसरा दृश्य दोनों कंप्लीट हो गए, अब तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य में यहाँ पर एक घर के अवस्था, मैं स्टेज पर मैं कहती हूँ कि एकांकी हमेशा एक ही स्टेज पर रहते हैं लेकिन उसके पीछे के पर्दे के दृश्य बदलते रहते हैं, उसी तरह पहले दृश्य में हमें बाजार के प्रतीकात्मक दृश्य, दूसरे दृश्य में किशनगंज के, और तीसरा एक कच्चे घर के अंदर के अवसार का दृश्य। सो एक कच्चा घर पक्का नहीं, कच्चा कच्चा और पक्का ऑपोजिट वर्ड है, सो एक कच्चा घर उसके अंदर एक अवसार। और देखो जमीन पर गरीब जी है जिसका बसंत लेता है, रख रख कर दर्द से कहरा करता है प्रताप और राजकिशोर जी का प्रवेश। प्रताप यह रहा सामान, राजकिशोर अरे यहाँ तो जमीन पर लेटा है क्योंकि जिसकी पैरों में कुछ छोटा है तो वह जमीन पर बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, लेकिन जब बसंत जमीन पर लेटा है तो राजकिशोर जी को बहुत आश्चर्य होती है और कहता है कि ये तो जमीन पर लेटा है। और देखो राजकिशोर जी को देखते ही बसंत आश्चर्य से आप यहाँ, राजकिशोर जी कहाँ चोट लगी है बेटा देखू। सो राजकिशोर जी एकदम से उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ चोट लगी है बेटा, बहुत ही प्यार से एक माननीय व्यवहार वहां पर दिखाते हैं राजकिशोर जी, बहुत ही प्यार से बसंत को पूछते हैं कि कहाँ चोट लगी है बेटा देखू तो सही, किसी ने फॉस्ट दी है, पट्टी बांधे है, चूते खींची निकल जाते हैं बसंत फोन भेज कर आता है। सो जब राजकिशोर जी बसंत के पैरों को अपने हाथ में लेकर देखने लगते हैं तो एक जोर सी आवाज आने, वो दर्द से वो लड़का एक चीख चीखता है, उसके बाद अपने दर्दों को अपने होंठों तले दबा लेता है। देखते हैं राजकिशोर जी किसी ने पसर किया है और पट्टी ने भी बांधी है बसंत। और राजकिशोर जी देखो राजकिशोर जी कुछ देर इसी तरह देखते हैं, राजकिशोर जी को एक बार बसंत का चेहरा और एक बार उसके पैर देखते हैं, वहां पर राजकिशोर जी को एक ऐसी दर्द होती है कि ये नन्ना सा बालक के साथ ये भगवान कितना माइंड कर रहे हैं, ना दर्द वो कैसे सह रहा है, एक दोनों पैर मोटर के नीचे आकर कुचले जाने पर इतना दर्द वो किस तरह अपनी मोटो तले दबा रहा है ये देखते हैं। और उसके बाद देखो पसंद दर्द से नहीं नहीं घबरावा दी तो उसे सांत्वन देते हुए, बसंत को सांत्वन देते हुए राजकिशोर जी उसे और ऐसे बताते हैं कि नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं, बसंत दर्द से कराहते हुए माइंड मोटर से टकरा गया था इसकी लेता आपके पैसे ना लौटा सका। देखो अब भी बसंत के दिल में वो उनके पैसे सही समय पर नहीं लौटा पाया, वो दर्द अब भी उसे चुभ रहे थे, इतने दर्द में भी वो राजकिशोर जी को कहता है कि मैं एक मोटर गाड़ी से टकरा गया था इसलिए उस वक्त में आपके साथ पैसे मैंने तुम्हें वापस नहीं दे पाया। देखो अब भी उसके जहन में किस अपने दर्द के दोनों पैरों के दर्द से ज्यादा उस वक्त में पैसे नहीं दे पाया, वो भी दर्द से सता रहा है राजकिशोर जी। अब उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है तुम ठीक हो जाओगे। तो अब राजकिशोर जी कहते हैं अब वो सब बातें छोड़ दो, मैंने डॉक्टर बुलाया है और डॉक्टर आपको तुम्हारे जांच करेंगे। बसंत डॉक्टर को बुलवाया है, बसंत को आश्चर्य बताए आपने डॉक्टर बुलाया है, क्योंकि अब तक तो उन्हें पूछने वाले कोई नहीं, अब देखो डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर हॉले से हेलो पंडित जी मैंने इसे बाजार में देखा है। सो डॉक्टर आते ही राजकिशोर जी को
वाला कहते हैं और वह हसन को देखते ही कहेंगे मैंने इस बच्चे को बाजार में देखा है। राजकिशोर जी हाँ जरा देखिए, तो राजकिशोर जी अब डॉक्टर से कहते हैं कि हाँ ये बाजार में छोटे छोटे सामानों का बिक्री करता है ये बालक, आप वो सब छोड़िए जरा इसको देखिए। पसंद जोर से और पूछता है कि प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी बाई को देखता है कभी डॉक्टर को। राजकिशोर जी अस्पताल से पूछते हैं सर जब डॉक्टर चेकअप करने के लिए उसका पैर देखते हैं तो बसंत अपने दर्द को दबाए रखा है, वो जिस तरह अपने दर्द को अपने चेहरे में दबा रहा है उसे देखकर प्रताप की आंखों में आंसू निकलते हैं और प्रताप अब एक बार अपने बाई को देखता है एक बार डॉक्टर को। इसलिए राजकिशोर जी बहुत उत्सुक है क्योंकि क्या हुआ है, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है, ये जानने के लिए उत्सुक है। डॉक्टर गंभीर पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। सो डॉक्टर अब पंडित जी को कहते हैं कि सो बहुत सीरियस है मामला गंभीर है, ऐसा लग रहा है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा, स्क्रीन माने स्कैन। सो यहाँ पर देखो अब देखो ये कह रहे हैं कि तो इस एक पैर का हड्डी टूट गई है ऐसा लगता है, अब हमें स्क्रीन करके देखना होगा, दूसरा पैर भी है पर उसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए, एक पैर की हड्डी टूट गई है स्क्रीन करके देखना होगा माने एक्सरे निकालनी होगी और दूसरा पैर जो है वो ठीक है लेकिन हमें अभी जल्दी से इसे अस्पताल पहुंचाना होगा, देर होगी तो बहुत मुश्किल होगा तो अभी जल्दी से हमें इस पैर से अस्पताल ले जाना है। राजकिशोर तो क्या हुआ अभी ले चलो मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। तो राजकिशोर जी अभी ले जाना है तो एक बात सुनते ही कोई बात नहीं हम इसे ले जाएंगे अस्पताल, मैं क्या करूँगा एम्बुलेंस को फोन करके आती हूँ आप जाने के लिए तैयार कर लिए। डॉक्टर जी हाँ कर आइए मैं आपका इंजेक्शन लगाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ जी हाँ आप भी जाकर एम्बुलेंस को फोन करके आइए तब तक मैं इंजेक्शन डालता हूँ बसंत को एक इंजेक्शन देता हूँ। बसंत आगे खोलकर आप क्या कर रहे हैं माइंड। सो बसंत इन सब के डिस्कशन के बाद राजकिशोर जी को रोकता हुआ कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं एम्बुलेंस को बुलाएंगे अस्पताल में भेजेंगे हम बहुत गरीब हैं हमारे गरीब हमारे डर हो कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है तो बहुत ही दर्दनाक माने इतना दर्द होने पर भी वो राजकिशोर जी को रोकता हुआ कहता है कि नहीं आप एम्बुलेंस या डॉक्टर को मत बुलाइए क्योंकि हम गरीब हैं। देखो ऐसा लग रहा है देश में कि गरीब होना ही एक महापाप उस पर वो दो नन्हे नन्हे बच्चे बिन माँ बाप के बच्चे लेकिन कहते हैं ना बिन माँ बाप के बच्चों को कोई तो आता है ऐसे भगवान के रूप में तो आज भगवान के रूप में राजकिशोर जी आ गए हैं। राजकिशोर जी अस्तर तुम चिंता मत करो बस चुपचाप बैठे रहो बेटा। बस अब राजकिशोर जी बसंत को सांत्वना देते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहते कि तुम चिंता मत करो अब तुम्हारा काम क्या है बस तुम लेटे रहो डॉक्टर साहब जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे इसे बचाना ही होगा। सो डॉक्टर साहब कहते कि जब तक मैं एम्बुलेंस को फोन करके नहीं आता आप उन्हीं के साथ रखिए इसे किसी भी हालत में इस बच्चे को बचाना ही होगा यह गरीब है पर इससे मतलब है यह ईमानदार है ये लड़का गरीब है लेकिन इसमें एक दुर्लभ गुण है वो है वो क्या है ईमानदारी। सो इसमें ईमानदार ये लड़का गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है। गरीब लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे गंदे गंदे काम करते हैं ऐसा माना जाता है लेकिन यहाँ पर देखो गरीब है लेकिन ये ईमानदार है इसमें एक दुर्लभ गुण है दुर्लभ माने बहुत ही रेयर हर किसी के पास नहीं रहता है सो ये बहुत ही रेयर है इसके छोटा सा गंदा सा बालक उस उम्र में आप लोग जानते हो ना खाने पीने में हो कि कितना चाक रखती है बच्चों में लेकिन ये देखो ये नन्ना मुन्ना बच्चा गरीब है लेकिन इसमें दुर्लभ गुण है ये ईमानदार है। डॉक्टर प्रकाश की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं बसंत आंखें बंद कर लेता है। सो इतना सब कुछ कहकर राजकिशोर जी एम्बुलेंस को फोन करने ले जाते हैं और डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन की तैयारी करते हैं बसंत आंखें बंद कर लेता है क्षण भर के लिए उसकी मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है क्षण भर के लिए एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर कुछ शांतता आ जाती है कृतज्ञता इसके बारे में राजकिशोर जी के बारे में कृतज्ञता और उसके साथ साथ वो शांति
और डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत कौन भेजता है? प्रताप भाई बसंत थामता है और पता गिर जाती है। सो प्रताप की सहायता से डॉक्टर बसंत को इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन की दर्द को भी वो सह लेता है, लेकिन कोई नहीं तो कोई तो होगा। बसंत के सर को अपने समाप्त करती हूँ। कल इसका सारा जो कंक्लूजन है वो मैं कल आपको बताऊंगी। धन्यवाद।